दिल्ली पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल करते हुए समीर और फैजान नाम के दो बदमाशों को गिरफ्तार किया है इन दोनों ने बुधवार की सुबह रोहिणी इलाके में पहले बंदूक की नोक पर दो महिलाओं के साथ लूट की वारदात को अंजाम दिया और फिर उसके बाद मजनू का टीला इलाके में एक नेपाली महिला की गोली मारकर हत्या कर दी मजनू का टीला इलाके में महिला की हत्या भी इन्होंने लूट का विरोध करने के चलते की थी ताबड़तोड़ दो वारदातें सामने आने के बाद दिल्ली पुलिस में हड़कंप मच गया था राजधानी में पुलिसिंग पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे रोहिणी में दो महिलाओं से बंदूक की नोक पर लूट और मजनू का टीला पर नेपाल की महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले समीर और फैजान नाम के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट साउथ और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के ज्वाइंट एफर्ट्स के बाद हुई है भाँगा। 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 भा ये उस दौरान का वीडियो है जब पुलिस की टीम इन आरोपियों को पकड़ने के लिए गीता कॉलोनी पहुंची थी पुलिस ने फैजान को पकड़ने के लिए हवा में कई राउंड फायरिंग की इस वीडियो में जो महिला दिख रही है वो आरोपी फैजान की पत्नी है ये फैजान को बचाने के लिए पुलिस से भिड़ गई। नॉर्थ रोहिणी में वॉक पर निकली दो महिलाओं से सरेआम रोड पर हथियार बंद बदमाशों ने लूटपाट की इसका एक सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था सीसीटीवी फुटेज दिल दहला देने वाला था किस तरह बेखौफ अपराधी भरी बाजार में बंदूक की नोक आरोप महिलाओं ऐसी लूट कर रहे थे फिलहाल इस मामले में दिल्ली पुलिस ने समीर और फैजान नाम के दो बदमाश गिरफ्तार किए हैं जो दिल्ली में लगातार स्नैचिंग, लूट और हत्या की वारदात कर रहे थे पुलिस सूत्रों के मुताबिक गिरफ्तार किए गए दोनों अपराधी रिश्ते में मामा भांजे लगते हैं मामा भांजे की ये जोड़ी दिल्ली में करीब पच्चीस से ज्यादा स्नैचिंग लूट और हत्या की वारदात कर चुके हैं समीर और फैजान नाम के दोनों बदमाश को पकड़ने के लिए तीन जिलों की पुलिस ने सौ से ज्यादा सीसीटीवी खंगाले और गिरफ्तार करने के लिए हवाई फायरिंग तक करनी पड़ी सत्रह मार्च को रोहिणी में दो पैदल जा रही महिलाओं से लूट उसी दिन दोपहर में मजनू के टीला पर लूट के लिए महिला की हत्या की थी शनिवार को वायरल हुए सीसीटीवी फुटेज में वारदात के समय कुछ लोग आते जाते भी दिख रहे हैं लेकिन बदमाशों को देखकर वो जान बचाकर भाग गए बदमाशों ने नंद और भाभी को गोली मारने की धमकी देकर सोने की चूड़ियां, अंगूठी और आर्टिफ़िशियल गहने साथ ले गए वारदात के बाद हवा में भी गोली चलाते हुए बदमाश फ़रार हो गए घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी पुलिस सूत्रों के मुताबिक महिला परिवार के साथ रोहिणी सेक्टर आठ में रहती है उन्होंने पुलिस को बताया कि सत्रह मार्च सुबह करीब सवा बजे अपनी नंद के साथ वॉक के लिए हर रोज़ की तरह से घर से निकली थी जब वह सात बटा आठ डिवाइडिंग रोड से साई बाबा चौक के पास ओमकार जूलर्स के पास पहुंची तो पीछे से ब एक आ रही थी बाइक पर बैठे दोनों बदमाशों ने हेलमेट लगा रखे थे जिनको देखकर वो साइड हो गई थी बदमाशों ने बाइक उनके आगे रोक ली पीछे बैठे बदमाश ने उनसे पता पूछा जिसको बताने से मना कर दिया तभी दोनों बाइक से उतरे एक के हाथ में पिस्टल थी दोनों को देखकर वो भागने की कोशिश करने लगी नंद बीच सड़क पर आ गई बदमाश ने उनको मारने की धमकी दी डर के कारण नंद ने अपनी अंगूठी उतारकर बदमाश को दे दी जिसने पीछे वाली जेब में अंगूठी को रख लिया जब वह पीछे की तरफ सड़क पर ही गिर गई बदमाश ने उसके हाथ से चुईया उतारने की कोशिश की उसने खुद ही चुईया उतारकर बदमाश को दे दी जिसके बाद वह फुटपाथ पर ही बैठ गई दोनों बदमाश हवा में गोली चलाकर यू टर्न लेकर तेजी से फरार हो गए थे दो महिलाओं से बंदूक की नोक पर लूट और मजनू का टीला पर नेपाल की महिला की गोली मारकर हत्या करने वाले समीर और फैजान नाम के दो बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल बाइक भी बरामद कर ली है दोनों बदमाशों की गिरफ्तारी नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट साउथ और रोहिणी डिस्ट्रिक्ट के ज्वाइंट एफर्ट्स के बाद हुई है सनसनी ऑफ इंडिया नेटवर्क अपने तो 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 आसपास होने वाले क्राइम से सजग रहने और क्राइम वीडियो देखने के लिए सनसनी ऑफ इंडिया यूट्यूब चैनल को लाइक शेयर और अगर आपने हमें अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को भी दबा दीजिए ताकि हर क्राइम से आप रहे जागरूक